दोस्तों आपने एक बात तो सुनी होगी, देर आए और दुरुस्त आए। ऐसा ही कुछ हुआ पोको के साथ। पोको का एक स्मार्टफोन आया था जिसका नाम था पोको F1। वो उस टाइम पर स्नैपड्रैगन 845 प्लस प्रोसेसर के साथ आया था। कमाल धमाल स्मार्टफोन था। तब से लोग वेट कर रहे थे कि पोको F2 कब आएगा, पोको F2 कब आएगा। पोको F2 तो दोस्तों नहीं आया, लेकिन पोको X2 आ गया। जी फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पोको X2 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या वाकई में ये स्मार्टफोन पोको F1 का अपग्रेड है या नहीं है, सब कुछ दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पोको X2 है ना, मैं आपको बता दूँ ये रेडमी K30 के बिल्कुल सेम जैसा है, बिल्कुल सेम है। इसमें ये पोको X2 नाम रख दिया गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिजाइन और डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको राइट में टॉप पर दो कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ना, वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश डिस्प्ले है, मतलब आपका डिस्प्ले के साथ एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पे इसके बैक की, तो बैक में यहाँ पे आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिल जाती है। बीच में यहाँ पे आपको चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो बैक की बॉडी है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ आती है, और साथ ही साथ इसका जो डिस्प्ले है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ आता है। मतलब बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको ग्लास की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, इस बार जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, ना ही तो आप देख पा रहे हैं पीछे दिया गया है, और ना ही आपको पता है कि एमोलेड डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में तो वैसे ही नहीं है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है वो पावर बटन में दिया गया है। और आपको दोस्तों पता है कि जब भी हम पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं तो सीधा हमारा जो फिंगर होता है वो सीधा पावर बटन पे जाता है, तो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। वैसे ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्या लगता है आपको कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा, और 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, और इसका हाई वेरिएंट जो आपको देखने को मिलेगा वो 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और हाँ, यहाँ पे माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो 6GB 120 स्टोरेज के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो नो डाउट बैटरी बहुत ज्यादा कमाल की है। इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, 3.5 mAh जैक भी देखने को मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है, इसमें आपको 27W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा बॉक्स के साथ ही, तो आप अपने स्मार्टफोन को बहुत जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और आपको पता है 4500 mAh की बैटरी है तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में। इसमें आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर 64 MP का दिया गया है, और अगेन दूसरा कैमरा आपको देखने को मिला है वो 8 MP का देखने को मिला है, अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। तीसरा कैमरा आपको 2 MP का माइक्रो लेंस दिया गया है, और लास्ट कैमरा चौथा कैमरा आपको 2 MP का देखने को मिल जाएगा, डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसका ये 64 MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है वो सोनी का IMX686 वाला सेंसर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे फोटो आपके बहुत ज्यादा कमाल के आने वाले हैं। चलो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो डुअल पंच होल डिस्प्ले दी गई है, तो राइट टॉप पर आपको दो कैमरे देखने को मिला है, 20 MP प्लस 2 MP का। और दोस्तों, ये 2 MP का कैमरा दिया गया है, ये डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है, मतलब आप फ्रंट के कैमरे से भी आप अपने फोटो को ब्लर कर पाएंगे, विच इज अ गुड थिंग दोस्तों। हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और हम वेट कर रहे थे ऐसा ही कुछ आएगा, या तो 845 आता या 855 आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे स्नैपड्रैगन 730G काफ़ी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार है, लेकिन 855 आता तो मच बेटर होता। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आपको कूलिंग लिक्विड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है, जैसा कि पोको F1 देखने को मिला था। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग आज के प्राइस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, तीन वेरिएंट है, 6GB 64GB वाले जिनकी प्राइस रखी गई है वो 15,999 रखी गई है, वहीं 6GB 128GB वाले स्टोरेज की रखी गई है वो 16,999 रखी गई है, और लास्ट वेरिएंट दोस्तों इसका 8GB 256GB वाले की रखी गई है वो 19,999 रखी गई है। तो प्राइस भी दोस्तों अग्रेसिव रखी गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं तो इसकी फ्लिपकार्ट पर पहली सेल होने वाली है, वो 11th February को होने वाली है, तो वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब बात करेंगे कुछ मेरे ओपिनियन की इस स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें मुझे दो चीजें नहीं अच्छी लगी है, एक है दोस्तों इसका प्रोसेसर और दूसरा है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले वैसे दोस्तों अच्छी है, 120Hz रिफ्रेश है, अच्छी है, लेकिन ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता तो मच बेटर होता, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि पोको जो है वो आएगा वो एमोलेड स्क्रीन के साथ ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया दोस्तों, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं खल गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये 120Hz को कम करके 90Hz रख देते और यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन डाल देते तो कमाल धमाल हो जाता, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर जो फोन आ रहे हैं वो एमोलेड स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। आप रियलमी X2 को ही देख लीजिए, उसके साथ इसकी कंपटीशन काफी ज्यादा अच्छी हो रही है और उसकी और इसकी प्राइस दोनों की सेम है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए पसंद आए, मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार बने हुए हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सब वीडियो की आपको 100% मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोको का वेट कर रहे थे, तो उन्हें बताइए कि पोको फाइनली लॉन्च हो गया, अगर वो जाना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।